वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और यहाँ का मौसम आप लोग बता सकते हैं, आज बहुत ही गर्मी है। आप लोग के यहाँ एरिया में कैसा गर्मी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ का देख सकते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं, पनीर का सब्जी है। यहाँ पनीर फ्राई हो चुका है और यहाँ इसका मसाला है, रेडी हो चुका है एक तरफ। और उसके बाद हमारा का पूरी बनाना बाकी है, गरम गरम पूरी। ये तैयारी किस लिए चल रहा है ये आपको लोगों को थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा, बताते हैं। तब तक बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे आगे देखते रहिए, सब पता चलेगा। ठीक, यहाँ मम्मी का मेकअप ऑलमोस्ट हो ही चुका है, मम्मी रेडी हो गई है, बस थोड़ा बहुत जो बाकी है वो करना है। तुम्हारा मेकअप नहीं होगा, खाली लिपस्टिक लगाने का शौक है। देखिए पाउडर लगा लगा के छोड़ी हुई है यहाँ, ऐसे ही गाय छोड़ी। और उधर मम्मी बस रेडी, आधा काम बाकी है। बहुत अच्छा है, सुनिएगा ना मर जाइएगा। सुनना जरूरी ही नहीं जरूरी है ना, हम सुनते हैं, हम लगाए भी हैं यही वाला। दिखाओ अपना मुँह। और यहाँ ये, और मेरे को लिपस्टिक बहुत पसंद है क्योंकि ये वाला बहुत पसंद है मेरे को, मैं भी लेना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी दीदी का, मेरी दीदी दे दी क्योंकि मेरे पास दीदी मेरे को दूसरा दी है छोटा वाला सरप्राइज में, उस दिन जो दिखाई थी ना छोटा वाला लिपस्टिक वही। मम्मी का मेकअप हो गया है और ये मम्मी का फाइनल लुक रेडी है ये, और कुछ बस पहनना जो बाकी है वो पहनेगी। मेकअप हो चुका है, यहाँ मम्मी रेडी है, मम्मी जा रही है छोड़ के। कहाँ जा रही है बताते हैं थोड़ी देर में। मम्मी सच में जा रही है? यहाँ मम्मी जा नहीं रही है, बता दे सबको कि यहाँ पे मम्मी का एनिवर्सरी सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ आप लोग पीछे डेकोरेशन देख ही रहे हैं, डेकोरेशन में मम्मी यहाँ पे रेडी हो चुकी है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ फोटो सेशन चल रहा है और थोड़ी देर में डैडी जी भी आ रहे हैं, वो भी आएंगे, रेडी हो रहे हैं, दिखाते हैं उनका भी, बने रहिए। और यहाँ डैडी जी भी रेडी हैं। हेलो एवरीवन, तो फिर यहाँ पे मम्मी और डैडी जी दोनों लोग बैठे हुए थे और मैं उन लोगों का फ़ोटो ले रही थी दोनों का साथ में, अच्छा लगता है ना। और फिर यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे, मतलब स्टार्ट कर रहे थे। और यहाँ पे बस स्टार्ट हो ही चुका था, ये मेरा बेटा हमेशा बस आप लोग जानते ही हैं केक खाने के लिए कितना वो करता है, मतलब उसको बस स्टार्टिंग में ही चाहिए ऐसा करता है, बच्चे हैं ना तो थोड़ा शरारती तो करेंगे ही। और यहाँ देख रहे हैं आप लोग बस कैंडल लग ही चुका था और एनिवर्सरी मतलब केक कटिंग मतलब स्टार्ट होने ही वाला था। और देख सकते हैं आप लोग एनिवर्सरी बस स्टार्ट हो गया था, केक कटिंग हो रहा था, और इसलिए मैंने इसलिए इसको वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि इधर उधर का सारा जो साउंड आ रहा था वो आप लोगों को समझ भी नहीं आता, इसलिए मैंने ये वॉइस ओवर किया। देखिए हाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो चुका था, सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। और ये पूरा बस हम लोग छोटा सा नॉर्मल सा ही करते हैं, आप लोग बताइएगा छोटा सा हम लोग का नॉर्मल सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मतलब हम लोग किसी को बोलते नहीं, अच्छा लगता है ना अपने मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, कितना मतलब अच्छा लगता है, इतने साल हो गए थोड़ा अच्छा लगता है, बस क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ देखिए ये लोग केक कटिंग कर रहे हैं खाने के लिए, मेरा बेटा कैसे कर रहा था, और मैं यहाँ फ़ोटो ले रही थी नीचे से दोनों लोग का साथ में, मतलब सभी लोग का ले रही थी। देखते आप लोग देखिए, thank you।
अपना काम चालू है। ये और ये गिफ्ट सबके तरफ से। ये मम्मी का गिफ्ट, डैडी जी का गिफ्ट, गिफ्ट वह बाला है आपके। बेग दे दे लगे जाते पाले पाले वाला नहीं डरी ऐसे मजा वो अपना खोलिए ना तो अपना देखिए ना आप तक कहाँ जाने वाला टीम साथ। हाँ जी वाह दो टिस्टे में मिली ना तब डैडी जी देखिए दुकान पर चूरी खोल के दिखाऊंगा। अच्छा हो गया दुकान पर जाने वाला नया नया। और ये डैडी जी दिखाइए अपना ये टी शर्ट और एक ये टी शर्ट। हाँ मम्मी दिखाई दीदी को दिखाई। ये है गिफ्ट और गाइस यहाँ पे मेरी दीदी और जीजा जी दोनों लोग मम्मी से बात कर मतलब वो दोनों लोग देख रहे थे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का लास्ट फ़ोन किए थे तो वही बात कर रहे थे दोनों लोग वीडियो कॉल से। वो लोग मिस नहीं कर मतलब मिस नहीं करना चाहिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। बाय 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 बाय।